अब मैं जो है हमारे साथ जो खुसूसी मेहमान मौजूद है रेजा फजी, जो बॉलीवुड में जो फेमस सिंगर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलने के लिए। सर हमारे चैनल वॉइस ऑफ डब्ल्यूबी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस होली हार्बर पब्लिक स्कूल की तरफ से? सर बस खूब राइज करिए, खूब बढ़िए, राज्य का, ज़िले का, देश का जो की जो खबर है उसको जनता तक लाइए, सच को सामने रखिए। सर आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा जो सॉन्ग गा दीजिए हिंदी से। याद पिया की आए है राम, याद पिया की आए ये दुख सहाना जाए है राम, याद पिया की आए। सर और एक जो है और इस दिल में क्या रखा है दो मिसरा गा। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, प्यार का नाम छुपा रखा है। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और सर सबसे पहले इस लाइन में जो जोड़े हैं कैसे चले गए सर सिंगर? बस मुझे खुद भी पता नहीं चला है कि एक कार्यक्रम देखने गए थे जी, मुझे देखने नहीं दिया गया या फिर मेरी हाइट कम थी तो पीछे खड़े थे क्राउड के, तो बार बार देखना पड़ रहा था, किसी ने धक्का उक्का दे दिया था तो मड कीचड़ में गिर गया था, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भी स्टेज पर हूँ और लोग मुझे देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाकी अलावा और क्या कर? अभी क्या किया ना, अभी मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ, तो संस्कृति मेडिकल कॉलेज मथुरा से, बस अभी तो यही व्यस्तता है पढ़ाई लिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। ये थे जो है रजा फैजी, जो मुंबई से तशरीफ लेकर आए होली हार्बर पब्लिक स्कूल से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करना ना भूले, अपना कमेंट सेक्शन में जरूर राय पेश करें। मैन डायरेक्टर से बात करेंगे, जो इस डायरेक्टर जो इस स्कूल के होली हार्बर पब्लिक स्कूल से जो मुकद्दर सर से बात करेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम को? सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम एक बहुत ज्यादा खुशी से कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे आप लोगों को, एक बार होली हार्बर पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराइए, 3 से 4 साल में आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा और 2 से 3 महीना में आपको दिख जाएगा कि हम क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को सबर करना होगा और पेशेंस के साथ अपने बच्चों को होली हार्बर में पढ़ाना होगा। मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग होली हार्बर से जुड़िए, क्योंकि इलाके में और भी बहुत सारे स्कूल हैं, कंपैरिजन कीजिए एजुकेशन का कि कहाँ अच्छा होता है कहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि करिकुलम क्या होता है। एक जो क्लास 12 या क्लास 5 के बच्चे में क्या डिफरेंस है, हम अगर क्लास 5 के बच्चे को बोलेंगे क्लास 12 के बच्चे के साथ कंपटीशन करो, ये कभी मुमकिन नहीं है। ये चीज देखने की जरूरत है, क्लास 5 के बच्चों को क्लास 5 के साथ ही कंपटीशन कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्वालिटी की है या नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे सब कोई क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक चले जाएंगे, बीएससी तक चले जाएंगे और सबको बोलेंगे साफ सबका एक हम कंपटीशन कराते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, तो जाहिर सी बात है भैया वो सीनियर क्लास है तो वो जीतेगा। सर आप तक आपके आपके स्टूडेंट कितना तक टॉप किए जो दूसरे स्कूल में कॉम्पिटिशन एग्जाम? हमारे स्कूल से बहुत ज्यादा कंपटीशन में अभी तक गया नहीं है, क्योंकि यही पढ़ना चाहता है बच्चा, यहाँ से कंपटीशन में पिछले साल गया था, उसमें 2 बच्चे पास किया है, अलमीन मिशन में इस बार 1 गया है, इसमें भी पास किया है, इससे पहले पानीपुरा में गया था वहाँ भी पास किया है, तो माशाल्लाह हमारे बच्चे जहाँ जाते हैं अपनी कामयाबी हासिल करके अभी तक आए हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। और पढ़ाई में इंशाल्लाह हम लोग और अच्छा करेंगे और सुधार लाएंगे, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको पूरा करेंगे। आगे नेक्स्ट स्कूल सभी अच्छे हैं, सभी स्कूल अच्छे हैं, लेकिन गार्जियंस को जरूरत है उसमें फर्क पहचानने का कि कौन सा स्कूल में क्या फर्क है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे जो मुकद्दर सर, जो इस स्कूल के मेन डायरेक्टर है होली हार्बर पब्लिक स्कूल। तो बने रहे हमारे न्यूज़ भारत सिर्फ मीडिया डब्ल्यू के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। होली हार्बर पब्लिक स्कूल जो कि हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स रखा है इस स्कूल में इंतजाम। तो सबसे पहले हम मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, नाम है मोहम्मद कलंदर, तो उनसे सीधे तौर से बात करेंगे। सर आज का मैसेज क्या देना चाहेंगे सर इस प्रोग्राम के लिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ इंडिया, जो आपने इतनी रात तक हमारे साथ है। और हम सब के होली शाम होली हार्बर पब्लिक स्कूल के फैमिली, यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, और इन सब का हौसला अफजाई के लिए आपने यहाँ इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो ये प्रोग्राम था, ये बीच में हमारे 2020 के लॉकडाउन के बाद ये पहला प्रोग्राम था, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का ये परफॉर्मेंस जो बच्चों ने दिखाया है। अभी तक तो मेरे पास मैसेज आ रहा है कि क्या प्रोग्राम किया आपने, बहुत ज़बरदस्त। बच्चे के बारे में भी थोड़ा बताना नहीं, ये बच्चा रहम खाने लायक नहीं है। ये दुनिया में ऐसा कुछ करेगा कि धमाल मचा देगा, क्योंकि ये बच्चा शरीर में उतना दिख नहीं रहा है जितना दिमाग से है। इसको कुछ भी देता हूँ ये करके पढ़ाई, जितना पढ़ाई दे दू, जितना लोड दे दू इनके ऊपर, ये लेने को तैयार है। इवन मैं परेशान हो जाता हूँ कि इसको और कितना देंगे, हो गया यार तुम्हारा, और कितना करोगे, रहने दो। लेकिन ये थकता नहीं है पढ़ने में, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, यकीन नहीं है आप इसके बाद भी मिलिएगा, इसका क्लास का कुछ भी पूछिए ये बता देगा आपको, इतना गारंटी है, मतलब इतना अच्छा बच्चा है। तो इसके लिए तालियां। अमेरिका और पाकिस्तान की लड़ाई हो ना, तुम बम गिराने मत जाना, क्योंकि हल्का हवा का झोंका है, बजाय उधर गिराने इधर गिरा के आ जाओगे। In Indian society, cases of child marriage are still present. A girl is forced to marry early and is often taken out of school at a very young age. People generally think that girls learn only domestic tasks. His contribution to household chores is more valuable than his education. In this way, they give all the time to the family and not time to educate themselves. But the educated wife will reduce the burden of her husband by sharing a job. The educated wife will educate her children about their rights and moral values. Thank you.